हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सोनी का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है KLV-32R402A। इसमें फॉल्ट है, यहां पर आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं। ये डेमो मोड अपने आप ही आ जाता है, हट नहीं रहा है, बीच बीच में रैंडमली ये आता ही रहता है। रिसेट करके भी देखा लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें करके मैं देख चुका हूँ। इसमें रीसेट करने पर इसमें रीसेट हो तो जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, रीस्टार्ट में अटक जाता है। सो दोबारा टीवी चालू करते हैं तो चालू हो जाता है, लेकिन इस तरह से डेमो मोड में आ जाता है। ये मैं फैक्ट्री सेटिंग कर रहा हूँ, क्या होता है आप खुद देखिए। ये टीवी वेट ही कराता रह जाता है, घंटों तक रखने पर भी प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट, बस यही रहता है। काफ़ी देर रखने के बाद भी मैंने चेक किया कि यहाँ पर से ये हटता नहीं है, जब तक कि हम वापस से पावर ऑफ करके वापस ऑन ना करें तब तक ये सॉल्व नहीं हो रहा है। और दूसरा, वापस स्टार्ट करने पर यही डेमो मोड का खेल वापस चालू हो जाता है। तो इसमें ये जो फॉल्ट है ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड दिख रहा है मुझे। इसमें जो नैंड आईसी लगी हुई है इसी का खेल है सारा। सो हम चेक कर लेते हैं, ये आईसी निकाल कर इसमें रीप्रोग्राम करके देखेंगे क्या ये हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है या नहीं, हमें देखना है। अब हम इसमें प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो 10 सेकंड का भजन सुन लीजिए। ओम नमो भगवते। पहले इसमें से हम डेटा रीड कर लेंगे ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम पुरानी स्थिति में जा सकें। बैड ब्लॉक चेक किया गया तो कोई भी बैड ब्लॉक्स इसमें नहीं थे। इसमें अब मुझे दूसरा डेटा डालना था,
क्योंकि मेरे पास पहले ही 2022 का लिया हुआ एक टीवी का डेटा पड़ा हुआ था। मैंने इस नैंड आईसी में वो डेटा को डाल दिया। अब इस आईसी को दोबारा से बोर्ड पे लगा के चेक कर लेते हैं, क्या ये जो हमारी डेमो मोड की जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व होती है या नहीं, और जो हम फैक्ट्री रीसेट कर रहे थे ये अटक जाता था, प्लीज़ वेट करता रह जाता था, वो क्या ठीक होता है या नहीं हमें देखना है। इस टीवी में डेटा डालने से टीवी तो चालू हो गया दोबारा से, लेकिन ये जो डेमो मोड का सिलसिला है वापस से आ चुका था। अब मुझे दोबारा से फैक्ट्री सेटिंग करके देखना था, क्या इसमें फैक्ट्री सेटिंग काम करता है या नहीं हमें देखना है। ओके, ये काम कर गया। इसमें फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ये जो डेमो मोड का जो सिलसिला था ये थम गया है और ये ठीक हो चुका है। इसमें हमने फैक्ट्री रीसेट किया और ये कामयाबी से पूरा रीसेट हुआ है बिकॉज हमने नैंड आईसी में डेटा डाला था। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में जो बगल में घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।